मिशन 400 पार को हासिल करने के लिए बीजेपी की तमिलनाडु पर खास नजर है। पीएम नरेंद्र मोदी तो वहां के लगातार दौरे कर ही रहे हैं। पार्टी के और भी आला नेता वहां चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मदुरई में रोड शो किया। तमिलनाडु में शुक्रवार को पावर पैक्ड चुनावी प्रचार देखने को मिला। अमित भाई, मैं साउथ में देख रहा हूँ, आप लगातार ट्रेवल कर रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस बार हम तमिलनाडु में हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने जाएंगे। AIDMK और DMK दोनों के भ्रष्टाचार और चुनावी भ्रष्टाचार, इससे तमिलनाडु की जनता त्रस्त है। वो नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, हमारे प्रदेश के नेता अन्ना मलाई को बहुत जन समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर भी इस बार अच्छी संख्या में कमल खिलकर लोकसभा में आएंगे। अमित शाह मदुरई से लोकसभा उम्मीदवार रामा श्रीनिवासन के समर्थन में रोड शो कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने तिरुनेलवेली और कोयम्बटूर में रैलियां की। अमित शाह के करीब 2.5 किलोमीटर लंबे रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। सड़क के दोनों ओर कतार में खड़े सैकड़ों लोगों ने नारे लगाए। अमित शाह ने विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर सवार होकर लोगों का अभिवादन किया। रोड शो के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की और दावा किया कि इस बार बीजेपी तमिलनाडु में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने जा रही है। अमित शाह ने राज्य में फैले भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और दावा किया कि भ्रष्टाचार से त्रस्त लोग DMK और कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन पर सवाल उठाने वाले DMK को लोग सबक सिखाएंगे। भाई, आपको लगता है कि DMK ने जिस तरह से सनातन को लेकर यहाँ पर टिप्पणियाँ की, इस पूरे चुनाव को ध्रुवीकरण करना चाहती है? देखिए, सिर्फ सनातन को लेकर नहीं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के विरोध के भी गजबनाक तीव्र प्रतिक्रिया मैं देख रहा हूँ। जो लोग मिलते हैं, चाहे होटल के बहरे हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, सभी लोग कहते हैं कि DMK ने ठीक नहीं किया। कांग्रेस ने ना तो इसका विरोध किया ना ही कोई जवाब दिया, तो क्या माना जाए, उनकी मूक सहमति है? मूक सहमति का कहां सवाल है? कांग्रेस और DMK और कम्युनिस्ट तीनों मिलकर लड़ रहे हैं, मूक सहमति का सवाल नहीं है। वो लोग एक साथी है और मिलजुल कर फैसले करते हैं। गृह मंत्री ने कांग्रेस, DMK और लेफ्ट फ्रंट पर जोरदार हमला बोला और कहा कि ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जन समर्थन BJP को मिल रहा है। आज मैं आपको बताना हूँ, ये रोड शो देखिए, इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी मदुरई में नहीं देखी है। ये भारतीय जनता पार्टी को जो जन समर्थन मिल रहा है, वो नरेंद्र मोदी को जन समर्थन है, हमारे प्रदेश के नेता अन्नामलाई को जन समर्थन। अमित शाह ने पीएम मोदी पर विपक्षी नेताओं की तरफ से की जा रही टिप्पणियों पर कहा कि विपक्ष जितना व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा उतनी ही ज्यादा जन समर्थन बढ़ता ही जाएगा। नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार टिप्पणियां की जा रही, उनके व्यक्तिगत टिप्पणी हो, चाहे वो मीसा भारती हो, लालू प्रसाद यादव हो या कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता। देखिए, जितनी टिप्पणियां व्यक्तिगत करेंगे, जनता मोदी जी को और समर्थन करेगी। 2002 से चल रहा है और 2002 से मोदी जी ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। अमित शाह ने दावा किया कि इस बार दक्षिण में BJP अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि कितनी सीट मिलने जा रही है, तो उनका जवाब था कि फिलहाल आकलन करना मुश्किल है। साउथ की जो 130 सीटें हैं, क्या आकलन करते हैं आप? आकलन लगाना बड़ा कठिन है, मगर मैं जो जन समर्थन कर्नाटक और अब तमिलनाडु में देख कर आया हूँ, मैं मदुरई में ऐसे रोड शो की कल्पना ही नहीं कर सकता। पूरे रोड पर लोग वेव कर रहे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं, एक गजबनाक उत्साह का वातावरण तमिलनाडु के अंदर है। आमतौर पर देखा गया है कि साउथ में समर्थन तो बहुत मिला, लेकिन सीटें बहुत कम मिली हैं। इस बार मैं मानता हूं हम ब्रेक थ्रू करेंगे। तो क्या आकलन? आकलन करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, परंतु हम हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन करें। अमित शाह ने रोड शो के दौरान ये भी कहा कि तमिलनाडु के गौरव को पूरे देश में जोर शोर से उठाने का काम पीएम मोदी ने किया। वो खुद कोशिश करेंगे कि अगले 5 से 8 सालों में जब भी वो तमिलनाडु में पहुंचे या तमिल समुदाय से मिले, तो वो तमिल भाषा में बात करें। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही
तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिलनाडु के महान विचारों को पूरे देश भर में पहुंचा सकती है। तमिलनाडु के गौरव को सिर्फ तमिलनाडु नहीं समग्र देश और दुनिया में ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तमिल भाषा में बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप सबकी क्षमा मांगता हूँ। मैं प्रयास जरूर करूंगा कि 2-5-8 साल में तमिल भाषा में आपसे बातचीत करूँ, ऐसा प्रयास जरूर करूंगा। गृह मंत्री अमित शाह आज भी तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। वो आज कन्याकुमारी में सुबह 11 बजे रोड शो करेंगे। रोड शो मेडुकडई से पुराने बस स्टैंड तक होगा। यानी मतलब साफ है कि इस बार तमिलनाडु में सियासी बयार एनडीए की तरफ बहती दिख रही है और ये सीटों में कितनी तब्दील होंगी ये 4 जून को पता चल जाएगा।